नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करेंगे। यह ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की 9th वीडियो है। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस सारे अपलोडेड हैं। सारे लिंक्स जो है 8 वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया हूँ, तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 8.4 में दिए गए हैं, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हर एग्जाम्स में फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले के जो क्वेश्चंस थे, अब तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने पार्ट 8 में डिस्कस कर चुका हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 के, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, सबके लिए, सब क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, क्योंकि हमारा LHS RHS जो है वो कोसेक ए में है और कॉट ए में है, तो हमें कॉस को चेंज करना होगा। ठीक है, तो कॉस डिवाइडेड बाई साइन करने से क्या होगा, कॉट ए वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और वन बाई साइन क्या होता है, कोसेक आता है। तो हमें क्या करना होगा, सारे जितने भी दिए गए हैं LHS में उसको साइन ए से डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ए से डिवाइड करना होगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वन बाई साइन ए। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए वन होगा, वन बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा, डिनोमिनेटर में कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए वन हो गया, एंड वन माइ साइन ए माइनस में क्या होगा, कोसेक ए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग कॉट ए प्लस कोसेक ए को इधर लिखते हैं, माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वन को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। वन को हम लोग लिख सकते हैं ना, बिकॉज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो उस हिसाब से वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में एज इट इज रखेंगे हम लोग, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, तो हमने जस्ट वन को चेंज किया है किससे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को ए स्क्वायर समझ लेते हैं और कॉट स्क्वायर ए को बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड कर दिया, नीचे में एज इट इज रहेगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब हमको क्या करना है, इससे इसको इंटू करना है, फिर इसको इससे इंटू करना है, ठीक है, इन दोनों को। तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकते हैं, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। तो अब देखिए न्यूमरेटर में वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आर एच एस है, क्या है, आर एच एस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, रूट ओवर ऑफ होल रूट में है, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्या करना है, अगर होल रूट दिया तो हम जस्ट इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइजेशन हम लोग जूनियर क्लासेस में सीखे होंगे, वन प्लस साइन ए, तो एल एच एस को हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए, तो ये होल रूट में है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये होल रूट है, इंटू रैशनलाइज कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, वन प्लस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए। ठीक है, रूट में होगा वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, क्या लिखेंगे, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, वन माइनस वन स्क्वायर मतलब वन होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिनोमेटर में है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या था, वन प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी वन प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो वन डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होगा, वो होता है सेक ए, एंड साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होता है, वो होता है टेन ए। तो यही हमारा आर एच एस है, क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये भी प्रूफ हो गया इस तरह से, जस्ट इसको रैशनलाइज करना था, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो एल एच एस पहले सॉल्व करते हैं, क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा को, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में फिर कॉमन लेंगे क्या, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग वन को क्या लिख सकते हैं, वन को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हम वन को रिप्रेजेंट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है तो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पर प्लस है और माइनस टू साइन थीटा, तो माइनस टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, पहले तो कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमेटर में कॉस थीटा आ जाएगा, फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है वैल्यू, वो होता है टेन थीटा। तो एल एच एस आर एच एस क्या था हमारा टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग ये भी प्रूफ कर लेंगे, तो ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें सबसे पहले एल एच एस क्या है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो हम इसको जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखेंगे, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए। ठीक है, हम जस्ट इसको एक्सपैंड कर दिया, सिमिलरली हम इसको भी एक्सपैंड करेंगे, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है वैल्यू, वन होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर ए लिख लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, और टू साइन ए कोसेक कोसेक है, तो टू साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई कोसेक ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, बचा क्या सेक्स स्क्वायर ए, तो सेक्स स्क्वायर को ए को हम लोग क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली टू कॉस ए सेक ए को, तो टू कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई सेक ए इंटू सेक ए, तो सेक ए कैंसिल, बचा क्या टू इंटू वन टू हो जाएगा, इधर भी कोसेक कैंसिल, टू इंटू वन टू हो जाएगा, तो इधर का वन प्लस वन टू हो गया, प्लस टू फोर हो गया, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, तो ये हो गया हमारा सेवन आ गया, और क्या था बच गया था कॉट स्क्वायर ए और बचा था टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा तीन स्टेप में ये क्वेश्चंस हम एल एच एस आर एच एस प्रूफ कर दिया। तो ये बहुत इजी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ इस वीडियो के बाद में मैं कुछ अन्य वीडियोस लाऊंगा जिसमें रेफरेंस बुक्स जैसे आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ स्कूल्स एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं फिलहाल। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि हमें एलएचएस और आरएचएस को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलएचएस को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं। फिर दूसरे में लिखेंगे सेक ए को हम लोग लिखेंगे क्या, इसको मिटा देते हैं, सेक ए को हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। तो फर्स्ट एल एच एस को सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ए एलसीएम होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, तो साइन साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन ए बच जाएगा और कॉस ए, और ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए बच जाएगा। तो हमारा एल एच एस क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, या सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसको ना लिखकर सबसे अच्छा रहेगा, कॉस ए साइन ए। ठीक है, ये हमारा एल एच एस आ गया है, दिस इज आवर एल एच एस इंडिविजुअली जब सॉल्व किया। अब आर एच एस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर एच एस क्या दिया हुआ है, 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई टेन ए मतलब क्या होता है, 1 तो ऊपर रहेगा, टेन ए मतलब साइन ए बाई कॉस ए, एंड कॉट ए मतलब कॉस ए बाई साइन ए। तो 1 एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, तो आंसर क्या बच जाएगा हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि हमारा आर एच एस और एल एच एस दोनों सेम है। कॉस एल एच एस क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए, और आर एच एस क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए कि किस तरह से क्या आर एच एस दिया, उस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो थोड़ा 1 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद ही कीजिए, जल्दबाजी करने में नुकसान ही होगा, तो थोड़ा सोच समझ के ही कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो 3 से 4 नंबर के हमेशा ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें 3 टर्म्स दिया हुआ है, ये पहला टर्म है, फिर ये दूसरा और तीसरा ये टर्म। तो बेसिकली हमें फर्स्ट और सेकंड को ही सॉल्व करना है, देन हम लोग थर्ड टर्म पे आ सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे आसान क्या तरीका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर देन सेकंड टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे क्या, सेक्स स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कोसेक्स स्क्वायर ए। तो सेक्स स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक्स स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा,
वन बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिखेंगे वन बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टैन स्क्वायर ए, जो कि हमारा थर्ड टर्म है। तो ये तो प्रूफ हो गया। फिर सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ, वन माइनस टैन स्क्वायर ए टैन ना सॉरी वन माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई वन वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर में। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, वन माइनस टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है, ये होल में स्क्वायर। तो न्यूमिरेटर में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू हम लोग का साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर और ये वाला होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए दैट इज टैन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम लोग दोनों टर्म्स को टैन स्क्वायर ए में से प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन के साथ में एक्सरसाइज 8.4 जो एनसीईआरटी बुक का है वो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, फुल्ली सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई डाउट हो कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री लाइन के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।